लेबर लगवा रही है या खुद अपनी लेबर पैसे मिले हैं ना, भेदभाव कर रहे, गरीब आदमियों को सता रहे हैं। भाई तो बहुत हो गया, भाई तो बहुत हो गया। मैं अफसरों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे आधे घंटे का टाइम दिया जाए, मैं मर जाऊंगा, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बहुत बड़ा पड़ा हूँ, मैं बहुत बड़ा, मेरी बहुत मेहनत की कमाई है, मुझे बाहर निकाल ले। नमस्कार, मैं हूं आचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली में एमसीडी का बुलडोजर एक्शन प्लान लगातार जारी है और इसी को लेकर मैं इस वक्त मौजूद हूं तिलक नगर की छोटी सब्जी मंडी में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एमसीडी का बुलडोजर यहां पर भी अवैध अतिक्रमण को जो है हटा रहा है, लगातार यहां पर हटा रहा है। आइए यहां पर तमाम लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनका इस चीज़ पर क्या कहना है और क्या उनके पास पहले से इस चीज़ का नोटिस आया था कि नहीं। दो मिनट का टाइम, यहाँ पे हमें कोई भी नोटिस नहीं आया, किसी भी चीज़ का कोई नोटिस नहीं दिया गया, अचानक आए हैं और एक मिनट का भी टाइम नहीं दिया गया और पूरा तोड़ दिया, सामान निकालने तक का टाइम नहीं दिया गया। मैडम, आप लोगों ने कल मीडिया ने दिखाया है, मैं बीजेपी को भी ये कहना चाहता हूँ, आप सिर्फ SC सुप्रीम कोर्ट में ये दिखाना चाहते हैं कि हमने हिंदुओं पर अत्याचार किया है और आप शाहीन बाग ने हमने टाइम दिया, आप निकल गए, क्यों एमसीडी वाले निकले हैं वहाँ से, क्यों निकले हैं बताइए ना, क्या आपके पास पुलिस फोर्स नहीं थी? आपके पास जब एमसीडी के लिए पुलिस फोर्स नहीं है तो देश की रक्षा के लिए क्या पुलिस फोर्स है आपके पास? ये बहुत गलत बात है, ये आधा घंटे का टाइम नहीं दे रहे, मैं अफसरों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे आधे घंटे का टाइम दिया जाए। अंदर ले गया, बात करो भाई साहब, मेरी अरे ला अंदर भाई साहब, अब प्लीज प्लीज भाई साहब, प्लीज बहुत हो गई, भाई साहब बहुत हो गया, भाई साहब बहुत हो गया, आप भाई साहब बहुत हो गया, भाई साहब बहुत हो गया, एक मिनट मेरे ऊपर, मैंने इस उम्र में ऐसे कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा देख लो बस, कौन सी एनक्रोचमेंट कर रखी है हम लोगों ने? आप लोगों को टाइम दिया गया था? कोई टाइम नहीं दिया गया जी हम लोगों को, 5 मिनट का टाइम भी नहीं दिया उन्होंने, एकदम से आकर इन्होंने सिर्फ बारिश पानी से धूप से बचने में शर्ट लगा रखा है। मैडम, डॉक्टर साहब की बात करिए जी, मैम एक मिनट का टाइम दिया इन्होंने, हम लोगों को एक मिनट का भी टाइम नहीं दिया गया, हमें बताते तो सही, हमने सिर्फ शेड लगा रखा है, वो भी सिर्फ इसलिए कि लेडीज आती है, बच्चे आते हैं, पेशेंट्स हैं, तो सिर्फ खड़े रहने के लिए, बैठने की भी जगह नहीं है, सिर्फ स्टैंडिंग के लिए प्लेन शेड है, हमें 10 मिनट देते हम वेल्डर को बुला के खुद उतरवा लेते, है ना, जो इतनी बड़ी बड़ी दुकानों ने पूरा पूरा डिस्प्ले रोड पे बाहर लगा रखा है, इतनी इतनी इंक्रोचमेंट कर रखी है, डबल शॉप्स बना रखी हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ वेटिंग एरिया के लिए सिर्फ शेड बना रखा है, उसमें भी परेशानी है। धूप आएगी, बारिश आएगी तो ये कहाँ रखेंगे? ये डॉक्टर साहब ने इसीलिए रखा है, देखो धूप आए बारिश आए नुकसान ना हो, खूब तसल्ली से टाइम दे रहे हैं इसको, ये नहीं टूट रहे, ये नहीं टूट रहे हैं, है ना, हम लोगों को 5 मिनट भी नहीं दिया गया, 5 मिनट दे देते ना तो हम लोग रोक लेते, किस तरह से यहाँ पर लगातार एमसीडी का बुलडोजर जो है चल रहा है, लगातार यहाँ पे शेड को उतारा जा रहा है एमसीडी के बुलडोजर द्वारा, यहाँ पे लगातार एमसीडी का बुलडोजर एक्शन प्लान जारी है, ऐसी अलमारियाँ उठवा रख दिया उसने, वो नहीं उठाएंगे ये, वो क्योंकि वो DDA की मार्केट है, वो फिर हमारे अंदर घुस जाएंगे, आप अगर तोड़ने आए हो अलमारियाँ तो देखो ना, वहाँ रखने का क्या मतलब है? कहाँ जा रही है? तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं लोग अपने दुकानों का सामान जो है वो खाली कर रहे हैं ताकि MCD ये जो बाहर शेड लगे हुए हैं उन्हें उतार सके, MCD का बुलडोजर इन शेड्स को निकाल सके, इसलिए ये लोग अभी से यहाँ पे अपना सामान जो है हटाना इन लोगों ने शुरू कर दिया है, लगा रहे हैं, वो अपना सामान उठा के उन्होंने वहाँ रख दिया है, ये किसी ने नहीं उठाया, ये MCD वाले नहीं उठा रहे, ये नहीं उठा रहे, हमारे को धक्का मारने के लिए लेडीज पुलिस को बुला लेते हैं, लेकिन ये सब ये कुछ नहीं उठाया जा रहा है ना, ये पैसे मिल गए ना यहाँ से, नहीं पॉलिटिकल कलेक्शन, पॉलिटिकल लेवल लगवा रहे हैं हटवाने के लिए, खुद अपनी लेवल लगवा रहे हैं, दिख रही जो यहाँ से उठा के वहाँ
रख दी गई। खुद अपनी लेबर लगवा रही है, खुद अपनी लेबर पैसे मिले हैं, खुद अपनी लेबर, खुद अपनी लेबर लगवा रहे हैं, खुद अपनी लेबर लगवा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, खुद अपनी लेबर लगवा रही है अलमारी उठवाने के लिए, खुद अपनी लेबर गड्डियां लिए इन्होंने, गड्डियां खुद अपनी लेबर लगवा रहे हैं गड्डियां उठाने के लिए। देखो इनकी लेबर कहां है, रोड पे ले रही है, एक भी अलमारी नहीं देखो गाड़ी में, उधर गाड़ी इसका बुरा नहीं चाहते, एक भी बुरा नहीं चाहते, पैसे हमारा जोड़े का हाथ जोड़े आगे यार, जोड़े खराब है हमारा, पैसे खा रहे हैं गड्डियां खा रहे हैं, हम तो भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, गरीब आदमियों को सता रहे हैं, ये इंसाफ के देखो उधर एक भी अलमारी नहीं होगी, उधर देखो ये है मास्क कटो, ये है ये और कहां है भाई साहब, भाई साहब प्लीज एक मिनट रुको, भेदभाव हो रहा है गरीब आदमियों को, अरे भाई साहब कुछ भी ना खाया यार, हाथ जोड़ रहे अंदर के ला, अरे भाई साहब अंदर ले गया, अब मत करो भाई साहब मेरी क्या, अरे ला अंदर भाई साहब, अब प्लीज प्लीज भाई साहब, प्लीज बहुत हो गई भाई साहब, बहुत हो गया भाई साहब, बहुत हो गया आप, भाई साहब बहुत हो गया, ये सामने खड़ा हुआ है, अलमारियां उठवा रहे हैं, गाड़ी में एक लोड नहीं कर रहे, सारे रोड पर तो कब्जा कर रहे हैं ना, पैसे खाए हैं इन्होंने, पैसे खाए, क्या हमारी भी तो रैलिंग गई है उसमें, तो देखिए लोगों के लगातार कहने पर अरे रोहित उठाए यार, इतनी देर, अरे हमने मेरी बहुत मेहनत की कमाई है, बहुत मेहनत की कमाई है मेरी, 5 मिनट रुक जाओ, निकाल बाबू निकाल भाई, निकाल ले मुझे भैया, माल निकाल ले मुझे, माल निकाल ले मुझे, माल निकाल ले, जान दे दूंगा जेल मारी गई, मैं जान दे दूंगा, छोड़ो छोड़ो, जान मारी गई, छोड़ो छोड़ो, मैं जान मेरे कितना तो मेरे मन नहीं है यार, बाबा मैं हूं ना, आगे हूं ना, मैं आगे हूं ना, टेंशन मत लो, अब
छोड़ दो मुझे बस, प्लीज छोड़ दो, अब छोड़ दो मुझे, पानी दो, बात समझ, पानी कर लो, अब जो मर्जी करो, मान नहीं ले रहा, अब नहीं मान रहा ये, तो देखिए यहाँ पर क्योंकि अलमारियाँ जो है वो दुकान के बाहर रखी थी, तो वो भी एमसीडी द्वारा उनके एमसीडी के गाड़ी में डाल के जो है वो रखी जा रही है। इस पर जो दुकान के मालिक है उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करी एमसीडी से कि उनकी अलमारियों को छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर भी जो है उनकी अलमारियाँ जो है एमसीडी की ट्रक में डाली जा रही है। तो देखिए दिल्ली में बुलडोजर एक्शन प्लान जो है वो लगातार जारी है। आज जो है बुलडोजर तिलक नगर की छोटी मंडी में चला, जिसका नज़ारा आपने साफ देखा, और यहाँ पर हमने देखा कि लोगों का यही कहना था कि आज फिर एमसीडी उन्हें बिना बताए यहाँ पर आ गई और उनके घर के सामने के जो शेड हैं, उनकी दुकानों के सामने के जो शेड हैं वो उतार लिए, जिस पर इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी प्रकट करा। एक दुकानदार तो एमसीडी के ऑफिसर से काफ़ी ज़्यादा लड़ गए, उन्हें कुछ समय दे दिया जाए ताकि वो अपनी अलमारियाँ जो है वो बाहर रख के निकाल के रख ले, लेकिन फिर भी एमसीडी द्वारा उन्हें हटा दिया गया और उनकी अलमारियाँ जो हैं वो एमसीडी की गाड़ी में भर दी जा रही हैं। अब आप भी अपनी राय इस पूरे मामले में कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि कब तक दिल्ली में जो है बुलडोजर एक्शन प्लान जारी रहेगा। कैमरा पर्सन आकाश शर्मा के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।